हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आशा करते हैं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी के एक फेमस मंदिर, तो वहीं जाके आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और सुबह सुबह इतना कोहरा हो रहा है, पर ऐसे ही जाना पड़ेगा। कोहरे में स्कूटी चलाना कितना टफ टास्क है भैया, आज समझ में आ रहा है। ये देखिए, कुछ ऐसा हाल है। वैसे तो जहाँ मुझे जाना है वो सामने ही है, पर वो भी नहीं दिख रहा है अभी। ये चिंटू चिंटू हर व्लॉग में मुझे प्रणाम ही कहते रहती है बेचारी। आप स्कूल जा रहे हो? ओके, नया फोन है आपका। गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नैतिक। ये है व्यू मामा के वहाँ का, और ये मामी ने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं। ये है छोटी मामी के फूल। ये देखो, ये मेरे को पिठियां लगा रही है। थोड़ा ऊपर लगाते हैं वैसे तो। जय हो। जा खुश रहो ताशा। ये हमारी चिंटू बहनी जा रही है कहाँ? स्कूल। चिंटू तेरा मास्क बड़ा अच्छा है यार। ये आ गया चिंटू का स्कूल, वो गई चिंटू। ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, और हमें यहाँ से कितना होगा मामा, कितना किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे फिर हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी। पहुंच गए हैं हम हल्द्वानी में। इतनी धूप थी, और मतलब हल्द्वानी में इतना कोहरा था। और यहाँ हम जा रहे हैं माँ शीतला मंदिर। शीतला देवी आए हैं हम आज। मैं निधि और आए हैं चार लोग। तो हम जा रहे हैं मंदिर को, तो यहाँ ऐसी सीढ़ियाँ हैं, और हमें बोला गया है कि रास्ते में बंदर दिख सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे ले जा रहे हैं। और ताशु अपने हाथ में पत्थर लेके घूम रही है। तो हम सीधे मंदिर में मिलेंगे, क्योंकि अभी बंदर मेरे हाथों से भी फोन छीन सकता है, इसलिए हम सीधे मिलेंगे मंदिर में। ओके बाय। वो आ गया मंदिर। जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। मिलकर बोलो, जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी। ओके, तो हम मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं, और अभी बंदरों का खतरा भी थोड़ा कम हो गया है। तो कम बिल्कुल नहीं है, चलो बढ़िया। नहीं, मैंने YouTube में देखा था, यहाँ बैठे थे मंदिर, वो है वहाँ पे बैठा है। अरे भाई भाई, गाइस भाई, इतनी जोर से भी नहीं छीनते हैं कि एकदम से छुपा ले। वो पर्स वर्स जो लटकाया हुआ चीज है वो खाने के लिए वो किन। तो अगर आप यहाँ आए तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपके हाथ में कोई पन्नी नहीं चाहिए, अगर है भी तो जैकेट में छुपा लें उसको, जैसे हमारे मामा ने छुपा लिया। और ये है मंदिर के आसपास का इलाका, बिल्कुल शांत है क्योंकि हम सुबह सुबह आए हैं, और बहुत साफ भी है। का मेन मंदिर शीतला देवी मैया है ये। ये हमारी निधि। फिर से दो, जल्दी फिर से दो, इसको भी दो। ये है इस मंदिर के बैक साइड में पार्क, और इस मंदिर में शादियां भी होती हैं।
जहाँ निधि ताशु बहुत बार आ चुके हैं और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये हमारे मामा श्री जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। बिल्कुल जय माता दी वाली वाइब्स आ रही है मुझे यहाँ आके। तो फिर मंदिर है, वही तो मामा बेचारे वहीं खड़े हैं। आओ ना। अरे वो बहुत बार आ चुके बेचारे, मैंने सब देखा ही तो है। अरे आओ यार, यह है मंदिर। हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, वरना इस मंदिर में इतनी भीड़ होती है ना, क्योंकि लोग बहुत मानते हैं शीतला देवी माता को, तो यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। बट हम सुबह सुबह आ गए तो इसीलिए हमें यहाँ कोई भीड़ नहीं मिली। यस, ये हमारे मामा यहाँ सफाई कर रहे हैं। मामा आपको बहुत पुण्य मिलेगा। सीख लो कुछ ताशु यार। अभी हम यहाँ पे घर वालों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। बंदरों की डर से निधि ने ये इंतजाम कर रखा है। निधि छुपा लो, चलो। और अब लाओ भैया, कहाँ है तुम्हारा? ये हाथ बड़े मोटे हैं यार इसके। हाथ में लग रहा है मेरा, वही तो खाया पिया। चलो, ये हमने लिया है इसलिए हम तीनों एक दूसरे को पहना रहे हैं। और बात हो गया, चलो अपना ब्रांड दिखाओ। ऐसे ऐसे दिखाओ। ओके चलो बाय। और इसे आप फॉरवर्ड कैमरा करके अपनी शक्ल भी दिखा सकते हो। हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया सुबह सुबह। क्यों मामा? हाँ यार, अब मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आया हूँ क्योंकि अब मेरे थोड़ी शक्ल सही हो गई। हाँ यार, मेरे छोटे मामा बेचारे थोड़े कमजोर हो गए थे ना बीच में, पर अब मामा ठीक होते जा रहे हैं। हाँ, मामा को हो गया था डेंगी। डेंगी इंग्लिश में डेंगी, हिंदी में डेंगू, तो उस वजह से मामा थोड़े कमजोर हो गए थे। पर अब मामा बिल्कुल अपनी क्या बोलते हैं, पहले जैसी हेल्थ में आ चुके हैं, आ रहे हैं। वाह, नजारा देखो। अरे वाह, हमें क्या नजारा देखो, ये सागर से। ये है यहाँ के विश्राम केंद्र, यहाँ आप थक जाते हैं तो यहाँ पे बैठ सकते हैं और यहाँ से नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। वाह यार, मज़ा ही आ गया। ले गए ये लोग, इससे पहले कि बंदर मुझ पे अटैक करे। कहाँ गए वो वाले अंकल? ये हैं। थैंक यू अंकल। तो ये वाले अंकल बहुत अच्छे हैं, इनने हमें पन्नी दी थी ताकि बंदर हमसे कुछ छीने ना और उस पॉली में हम डाल लें, और उन्होंने बोला था वापस आके मुझे दे देना। और अभी हम मंदिर से आके हम नाश्ता नहीं करके आए थे क्योंकि मंदिर जाना था ऑब्वियसली, तो हम क्यों करते, तो इसलिए अब हम बैठ चुके हैं मंदिर के सामने वाले में, माँ शीतला देवी रेस्टोरेंट पे। ये आ चुका है हमारा नाश्ता, पनीर पराठे, दही और अचार। कैसा हो रहा है? ब्यूटीफुल। वाओ, ये है माँ शीतला फैमिली रेस्टोरेंट और यहाँ बहुत टेस्टी खाना था। अगर आप इस मंदिर में आए तो यहाँ ज़रूर जाएं। और ये है इस रोड का व्यू। ये है रानी बाग।
इसके बाद ये गोला बहते 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 आगे तक पहुंच जाती है। घर पहुंच गए हैं और ये है मेरे बड़े मामा जो कि सुबह सोए थे, अब उठ चुके हैं और अभी चाय का आनंद ले रहे हैं। मैं सोया नहीं था, आप लोग मुझे छोड़ गए हैं। वाओ, हम छोड़ के गए निधि इनको, बता नहीं कुछ भी बोलते हैं। और अभी हम देख रहे हैं नैतिक की फर्स्ट बर्थडे की एल्बम, ये है हमारा नैतिक। चलो शुरू करते हैं। ये तो भारती के बेटे जैसा लग रहा है। गोला सांदीपुरी का गोला यार, कैसा है नैतिक। चलो इसके पास कुछ मेमोरीज तो हैं। आपकी मम्मी आ गई। मेरी मम्मी आ गई यहाँ पे। ये था केक जो हमें बिल्कुल भी नहीं मिला, बचा ही नहीं था। तुमने और एक मिला था, इसका, इसका कीवी मिला था मुझे। मैंने बस इतना याद है मुझे कि मैंने इसका ब्लू वाला पार्ट थोड़ा सा मम्मी के उससे किसी के उससे टेस्ट किया था, बस इतना। और मेरे दोस्तों को भी नहीं मिला। और तो और इसका दूसरा पता है, दिशा दीदी यहाँ पे कोशिश करते हुए बट फूट नहीं रहा। ये मेरे हाथ में था ये भैया, ये किसी से नहीं फूटता एक बार में। क्या मैं क्या चीज हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने किसी को दे दिया, मैंने मामा को दे दिया। लो पकड़ो, मेरे से नहीं हो रहा। अब ये तो बड़े हो गए, चलो ठीक है, इनकी तो शादी हो गई। पर ये दो ये अनमैरिड हैं गाइस, इनके लिए अगर लड़की मिले तो हमें कांटेक्ट करें। ये देखो ये लोग खाते हुए कुछ ऐसे लगते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलके मुझे इतना मारने वाले हैं ना। ये हैं हमारे मेरे दोनों दोस्त जिनको मैंने आज तक कभी व्लॉग में नहीं दिखाया है, इनसे मैं कभी अच्छे से मिलाऊंगी। और ये है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी ने उस दिन मेरे साथ एक भी फोटो नहीं खिंचवाई होगी भले ही, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ जरूर एक फोटो खिंचाई है। ये देखो ये है निधि, देखो इसकी आंखें बचपन से ही बहुत बड़ी हैं। तो कुछ ज्यादा दिखता होगा ना। नहीं, जिनकी आंखें छोटी होती हैं उनको ज्यादा दिखता है। अब हम पी रहे हैं दिस काढ़ा कोल्ड ड्रिंक इस नजारे के साथ। वैसे यहाँ से तो ऐसा ही दिख रहा है। चलो इंजॉय करते हैं फिर घर जाते हैं। तो मैं घर आ चुकी हूँ और आज का ट्रिप बहुत अच्छा रहा हमारा, छोटा सा ट्रिप था। और सुबह सुबह हम लोग मंदिर के दर्शन भी कराए और फिर पूरा दिन अच्छा जाता है ना ऐसे, मंदिर के दर्शन कर लो तो पॉजिटिव सा, तो वैसा ही हो रहा है। और आप लोग जब भी हल्द्वानी आए या कभी नैनीताल भीमताल कभी भी जाएँ तो रस्ते में आप लोग शीतला देवी मैया के दर्शन ज़रूर करें। मैंने तो इतने साल से हल्द्वानी रह रही हूँ बट आज ही जाने का मौका मिला। पर बहुत अच्छा था मंदिर, शांत था, छोटा सा प्यारा सा मंदिर है और काफ़ी लोग पिकनिक के लिए भी आते हैं यहाँ। अगर आप उस पिकनिक के लिए जाना चाहें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मंदिर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। ओके, टेक केयर, बाय।